चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेजबान राष्ट्रपति जैकब जुमा से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। इसके बाद दोनों नेता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। मोजाम्बिक दौरे को संपन्न करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। भारत और मोजाम्बिक ने 3 अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने मोजाम्बिक के दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोजाम्बिक के विकास में भारतीयों के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने मापुतो में नवाचार और तकनीकी विकास केंद्र का भी दौरा किया। ब्रिक्स देशों के ड्रग्स नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों की आज राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बैठक में सदस्य देशों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जाकिर नायक पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नायक के भाषणों की जांच की जाएगी और आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 नए मंत्रियों को शामिल करते हुए अपनी कैबिनेट का आज विस्तार किया। शिवसेना के 2 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। पहले से सरकार में शामिल शिवसेना के राम शिंदे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक एक के बाद एक शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल पर एक महिला ने बदसुलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ जांच के आदेश। केंद्र सरकार ने भी जाकिर के बयानों को माना आपत्तिजनक। जाकिर नाइक के सार्वजनिक दस्तावेजों वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवाद पर नाइक के विवादास्पद बयानों के कारण उसके प्रवचनों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। चीन में एक बड़े भूस्खलन में 35 लोगों की मौत हो गई। हादसा उत्तरी चीन के जियांगजिंग में हुआ और इस भूस्खलन की चपेट में पूरा गांव आ गया। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। भूस्खलन के चलते गांव में बिजली गुल हो गई है और दूरसंचार व्यवस्था भी ठप पड़ी है। अमेरिका में डलास में 4 पुलिस अफसरों की फायरिंग में मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग पुलिस द्वारा एक अश्वेत को गोली मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। एक हमलावर ने आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बम स्क्वाड को संदिग्ध सामान भी मिला है। प्रदर्शनकारी मिनेसोटा और लुइसियाना में अश्वेत के मारे जाने का विरोध कर रहे थे। इराक के बगदाद के उत्तर में करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बलाज शहर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। करीब 5 दिन पहले ही राजधानी में एक आत्मघाती हमलावर ने मिनी बस में खुद को उड़ा लिया था, जिसमें करीब 292 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश पुलिस ने शौलकिया ईदगाह में कल हुए हमले के सिलसिले में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 10 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक महिला को भी गोली लगी है। एक संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। हमलावरों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी के हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक दुनिया भर में और अधिक आतंकी हमले करने की धमकी देने वाले आईएसआईएस के ताजा वीडियो में दिखाई दिए 3 बांग्लादेशी युवकों में से 1 डेंटिस्ट, 1 उभरता गायक और 1 एमबीए का छात्र है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को हुए मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास आत्मघाती विस्फोट करने वाला व्यक्ति था सऊदी नागरिक। सऊदी अरब में सोमवार को मदीना में हुए हमले की जांच के सिलसिले में 12 पाकिस्तानी सहित 19 लोगों को किया गया हिरासत में। ब्रिटेन को मार्गरेट थैचर के बाद मिल सकती है दूसरी महिला प्रधानमंत्री। ब्रेग्जिट मत विभाजन के बाद डेविड कैमरून के उत्तराधिकारी पद की दौड़ में मुख्य मुकाबला 2 महिला नेताओं गृहमंत्री थेरेसा और ऊर्जा मंत्री आंद्रिया लिट्सन के बीच कड़ी टक्कर है। कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व की दौड़ से न्याय मंत्री माइकल गव्फ के बाहर हो जाने के बाद अब थेरेसा और लिट्सन के बीच मुकाबला होगा। विंबलडन में 4थी वरीयता प्राप्त एंजेलिक कर्बर ने 5 बार की विजेता वीनस विलियम्स को हराकर महिलाओं के फाइनल में अपनी जगह बनाई। सेरेना विलियम्स से होगी उनकी अगली भिड़ंत। 4थी वरीयता प्राप्त जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने 8वीं वरीयता प्राप्त वीनस विलियम्स को 6-4, 6-4 से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया है। रविवार को पेरिस में खेले जाने वाले यूरो कप के फाइनल में फ्रांस और पुर्तगाल आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में कल मेजबान फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।